हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेड डायनेस्टी सीजन 1 रिकैप वीडियो में। क्योंकि सीजन 2 30 तारीख से यार होना शुरू हो जाएगा और आई होप ऐसा कोई नहीं है कम्युनिटी में जिसने ये डोंगवा ना देखा हो। लेकिन आपके सीजन 2 का बेटर एक्सपीरियंस के लिए मैंने सोचा एक रिकैप वीडियो तो बनता है, तो चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस डोंगवा का मेन प्रोटागोनिस्ट शियाओ फैन एक ऐसा बंदा जिसे हार एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, और वो एक छोटा सा विलेज में रहता है अपने दोस्त परिवार के साथ, और वो लिंग जीव को 98 टाइम चैलेंज किया लेकिन एक बार भी जीत नहीं पाया, लेकिन उसे हार भी स्वीकार नहीं है। तो वो उसे बार बार चैलेंज करता है, लेकिन एक दिन ली जिंग यू उसे कहता है आज तुझे हार एक्सेप्ट करना ही होगा, बट शियाओ फैन कहता है ना वो तो नहीं होने वाला, मैं तो जरूर तुम्हें डिफीट करूंगा। लेकिन तभी लीन किसी एविल फोर्स के बश में था तो वो उसे मारने चला था, जो देखकर सारे बच्चे वहां से डर के भाग गया। लेकिन तभी विलेज का एक मॉन्क आके लीन के बॉडी पर कुछ जगह प्रेस करता है जिससे वो होश में आ जाता है, और वो शियाओ फैन का हाल देखकर परेशान होता है और साथ ही दोनों मॉन्क को देखकर डर के मारे परेशान होते हैं, और मौसम भी खराब होने के कारण दोनों वहां से भाग के घर चले आते हैं। लेकिन ये लीन को जो एविल फोर्स कंट्रोल कर रहा था वो एक्चुअली उस मॉन्क के लिए आया हुआ था, क्योंकि फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है वो एविल पावर फिर से लीन को कंट्रोल कर रहा था, और तभी मॉन्क आके उसे सेव करता है। बट लीन के बॉडी से एक इंसेक्ट निकल के ओल्ड मैन के बॉडी पर चला जाता है, और तभी मॉन्क उस एविल पर्सन को कहता है कौन हो, बाहर आओ, इस बच्चे से क्या चाहिए। और उतने में एक खतरनाक पर्सन अपीयर होता है, बट कैप और मास्क होने के कारण उसका फेस देखने नहीं मिलता, और तभी दोनों के बीच भयानक फाइट होना शुरू होता है, जहां मॉन्क एक से एक पावरफुल मूव का यूज करता है। लेकिन मॉन्क को वैसे हराना तो नामुमकिन था, इसीलिए मॉन्क को वो इंसेक्ट काटता है जिसे मॉन्क वीक होना शुरू होता है जहर से, और तब जाके मॉन्क को रियलाइज होता है वो पर्सन उस बच्चे के लिए नहीं बल्कि मॉन्क के लिए ही आया हुआ था। और तभी शियाओ फैंग जो खाना ढूंढने जंगल में आया हुआ था वो भी उस सिनारियो को देखकर हैरान होता है, और तभी वो मिस्टीरियस पर्सन बुड्ढे को कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए ही आया हुआ हूँ, और वो बहुत ही एविल पावर्स यूज करता है और कहता है आप वो चीज मुझे दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी मॉन्क कहता है वो एविल चीज तुम्हें क्यों चाहिए, वो तो नहीं होगा, और फिर दोनों के बीच बहुत ही भयंकर फाइट शुरू होता है, और मॉन्क कहता है अगर मैं मरता भी हूँ तो मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा, और बताओ तुम बहुत स्किलफुल हो, तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है। बट वो आइडेंटिटी तो नहीं बताता, मगर माइटी सॉर्ट ऑफ थंडर पावर यूज करता है मॉन्क को खत्म करने के लिए, जो देखकर मॉन्क समझ जाता है वो पर्सन किंग यंग सेक्ट से है, क्योंकि वो पावर सिर्फ वही लोग यूज करते हैं और उन्हीं का टेक्निक है, और आगे कहता है क्या ये टावोस्ट का पावर्स है। और फिर उस एविल पर्सन का बहुत खतरनाक अटैक हमें देखने को मिलता है, और सच कहूँ तो वो बहुत ही कूल था, बट मॉन्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसके कारण दोनों अटैक क्लैश होने पर मॉन्क वहाँ उसके ऊपर भारी पड़ता है, और उस प्रेशर से वो पीछे जाके कहता है मैं तुम्हारे लिए वापस फिर से आऊँगा और अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, और शियाओ फैन भी उस प्रेशर से पीछे जाके गिरता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। बट ओल्ड मॉन्क उसे लाके लीन के साथ रख कर कहता है आखिरकार वो एविल इन्हें खत्म नहीं कर पाया। बट ओल्ड मॉन्क का हालत तभी खराब होना शुरू होता है इंसेक्ट पॉइजन के कारण, सो वो एक डॉक्टर का पिल कंज्यूम करता है कुछ दिन और सर्वाइव करने के लिए, बट मॉन्क के पास मैक्स 3 दिन ही बचे हुए है, तो वो पावर्स को शियाओ फैंग को हैंड ओवर करने की सोचता है ताकि वो फ्यूचर में दुनिया को मुसीबत से बचा सके। और तभी मॉन्क शियाओ फैन को कहता है मैं तुम्हें मेरा टेक्निक हैंडओवर करूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ चीजों का पालन करना होगा, क्या तुम कर पाओगे। जा शियाओ फैन भी लाइक क्या, और तभी ओल्ड मैन उसे स्ट्रिक्टली कहता है तुम्हें वो टेक्निक हर दिन प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन सबसे छुप के, यानी रात को, ताकि कोई ना देखे। और फिर ओल्ड मैन उसे हर एक कंडीशन बता के उसे बार बार फोर्स करके कहता है क्या तुम कर सकते हो। जा शियाओ फैन कहता है हाँ,
और तभी ओल्ड मैन हंस के कहता है, मैंने डेथ पिल कंज्यूम किया, मेरे पास और 3 दिन है, अगर तुम्हारे लाइफ को खतरा हुआ तो तुम घोस्ट डॉक्टर को ढूंढना और कहना मॉन्क फूजी टियानियन टेम्पल से मुझे आपको ढूंढने भेजा। और फिर ओल्ड मैन उसे रेड पिल लाइक एक चीज देकर कहता है, इसे संभाल कर रखना, किसी को भी मत दिखाना। और शायद से वो एबिल पर्सन इसी के लिए वह आया हुआ था। और मौका मिलते ही उसे डीप जगह एक है उसे वहाँ पे फेंक देने कहता है। और हाँ और कहता है कि मेरे नाम किसी को भी मत बताना और अगर किस्मत अच्छी हुई तो नेक्स्ट लाइफ में फिर मिलेंगे, तो किट 3 बार झुक के मुझे मास्टर एक्सेप्ट करो। तभी शाओफेंग ओल्ड मॉन्क को मास्टर एक्सेप्ट करता है और तभी ओल्ड मैन हंस के कहता है, चलो अब फार्बेल फॉर्मूला को याद करने की बारी है। और इन सब में सुबह हो जाता है और लिन को भी होश आता है, वो पेड़ के नीचे अभी भी था। और फिर वो अंदर आके शाओफेंग को जगाता है और जहाँ शाओफेंग जागते ही कहता है कि मास्टर, तभी लिन कहता है, ओए तुझे यह कौन मास्टर दिख रहा है? और तभी लिन कहता है, अजीब बात है, मैं तो घर पे सो रहा था। लेकिन तभी दोनों वो सब छोड़ के घर की ओर निकल पड़ता है जहाँ से दोनों का जिंदगी ही चेंज हो जाता है, क्योंकि वो दोनों किसी बैड ड्रीम को हकीकत में बदलते हुए देखता है, जो कि खून की नदी, यानी उनके अपने लोग, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, परिवार, विलेज के सभी लोगों को किसी एविल ताकत ने मार दिया है। और वो सच में बहुत ब्रूटल था, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा, आप कुछ इमेजेस और क्लिप से देख सकते हो, क्या ही बदतर मंजर रहा होगा उन दोनों के लिए ब्रो। तभी ब्लडबाथ को देखकर दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं और फिर उन्हें किंग यंग सैक का एक पर्सन आके वहां से लेकर एक सेफ जगह पहुंचते हैं जहां शाओफेन का होश आता है फाइनली, जो अभी भी उस इंसिडेंट को एक बुरा सपना मान रहा है। बट जिंगी उसे हाक करके कहता है, सब खत्म, हमने जो देखा था वो सच था, हमारे अपने और विलेज अब नहीं रहा। तभी वो पर्सन दोनों को लेकर किंग यंग सैक पहुंच जाते हैं जहां पहुंचते ही एक ड्रैगन जिसे मास्टर ऑफ सोल कहा जाता है वो शाओफेन का प्यार फील करके उसके पास आता है, जो देखकर वो पर्सन परेशान होके कहता है, इसने ऐसा तो कभी नहीं किया। और फिर ड्रैगन वह और कुछ ना करके वहां से चला जाता है और तभी वो पर्सन दोनों को लेकर सेक्ट के अंदर घुसता है जहां सेक मास्टर से लेकर पीक लीडर भी मौजूद थे। और तभी वो पर्सन उस विलेज के साथ क्या हुआ सारा कुछ कहता है, लाइक वह डीमन ने क्या किया, जो सुन के सेक मास्टर गुस्से से कहता है, शिट, हम एक विलेज को भी डीमन से बचा नहीं पाए। लेकिन उतने में दोनों से पूछा जाते हैं कि वो लोग जिंदा कैसे हैं, जहां जिंगो फट से कहता है, मैं घर पे सोया हुआ था लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं खुद को एक पैर के नीचे पाया और वह शाओफेन भी था, और जब हम विलेज वापस आया तो देखा सब खत्म हो चुकी थी। और तभी जिंगियो के जुबानी के बाद सभी लोग शाओफेन को भी कुछ बोलने कहता है, जाओ वो चुप रहता है और सोच के कि मास्टर उसे किसी को भी कुछ कहने से मना किया था। और लेकिन उतने में एक एल्डर कहता है, सोरो, जबकि हम विलेज को बचा नहीं पाए मगर दोनों को डिसाइपल बना के उनका देखभाल करना होगा। और तभी कौन से पीक दोनों को सिलेक्ट करेगा वो डिसाइड करने के लिए दोनों को बाहर भेजते हैं और उसके बाद सभी जिंग्यू को चुनता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था। और तभी सेक मास्टर भी सबको जिंग्यू को लेकर खिंचातानी देकर डाजू पीक को जोर जबरदस्ती शाओफेन को एक्सेप्ट करने कहता है और जिंग्यू को लॉन्गशू पीक को। और तभी दोनों अलग अलग पीक चले जाते हैं जहां लॉन्गयू पीक लीडर लिंग्यू को पाके बहुत खुश थे, लेकिन डाजू लीडर उतना खुश नहीं था शाओफेन को पाके। और ऊपर से पीक पहुंचते ही वहां का डिसाइपल शाओफेन को परेशान करना शुरू करते हैं, बट पीक लीडर की लिंगर आके सबको सबक सिखा के कहती है, आज के बाद कोई इसके साथ बदतमीजी नहीं करेगा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और वो देखकर शाओफेन को उसके साथ प्यार होता है और फिर उनके बीच फ्रेंडशिप होते हैं और साथ ही दोनों का ट्रेनिंग भी जोरों से चलना शुरू हो जाता है, जहां ट्रेनिंग मास्टर जो कि एक सीनियर डिसाइपल है फर्स्ट उसे बैम्बो काटने कहता है, जिसे वो बहुत आसान समझता था, बट जैसे ही वो काटने गया तो उसका मोए मोए हो गया। लेकिन वो हार नहीं मानता है, दिन में मास्टर के साथ और रात में अकेला मॉन्क का टेक्निक वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हुए देखते ही देखते वो बड़ा हो जाता है और कमाल का एक फुर्तीला लड़का बन जाता है। बट कल्टीवेशन पावर्स में वो अभी भी पीछे था, जिसके चलते पीक लीडर उससे अभी भी इम्प्रेस नहीं है। लेकिन जो सीनियर उसे प्रैक्टिस कराता है वो उसे हमेशा कहता है,
कोई ना कोई क्या एक दिन में ही पहाड़ उठाएगा और सीनियर का बातों से वो मोटिवेशन होकर वो बैम्बू फॉरेस्ट में ही कल्टीवेट करने बैठता है, जो देखकर पीक लीडर भी इस बार हैरान होता है क्योंकि वो सारा एनर्जी खींच रहा था। और वो देखकर उस दिन सभी डिसाइपल के साथ मास्टर भी यानी सीनियर डिसाइपल भी खुश होता है और कहता है सब मेहनत बेकार नहीं हुआ। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं था पीक लीडर को यानी पीक एल्डर को खुश करने के लिए, क्योंकि दूसरी ओर जेंगियो बड़े बड़े चट्टानों को आसानी से तोड़ रहा था और वो डैम स्ट्रॉन्ग बन चुका है और साथ ही पीक लीडर का वो फेवरेट भी है, जिसके चलते बाकी डिसाइपल उससे जलने लगते हैं। बट मास्टर यानी पीक लीडर उसके पीछे टाइम इन्वेस्ट करके एक से एक टेक्निक इवन थंडर ड्रैगन भी उसे सिखाता है शॉट भी देके, और वहां तक जिंगयू आसानी से सब सीख जाते हैं। लेकिन उसके बाद मास्टर उसे जो सीखने का बट वो उसे अपना नहीं बना पाया अभी के लिए, क्योंकि जब भी मास्टर उस थंडर ऑरा को निकलता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और तभी दूसरी ओर श्याओफेन और लिंगर जंगल में एक दिन खाना खाने बैठते हैं और वह एक मंकी आके दोनों को परेशान करके उनका खाना छीन के उन्हें और चिराने लगता है, जिससे परेशान होकर लिंगर बंदर को पीटने के लिए पीछे ही पड़ जाती है। बट बंदर जंगल का राजा है यानी पेड़ों का, तो वो भागने लगता है। सो बंदर के लिए जंगल में उनसे ज्यादा एडवांटेज है, मगर लिंगर रुकती नहीं सो श्याओफेन को भी पीछे आना पड़ा। तभी बंदर के पीछे करते हुए दोनों बहुत दूर आए हुए थे, जहां लिंगर श्याओफेन से कहता है तुम यही रोको, मैं उसे पकड़ के अभी लाती हूँ। और तभी एक पॉइंट पे आके बंदर माउंटेन से गिर जाता है और कुछ देर बाद लिंगर की भी चीखने की आवाज आती है, जो सुन के परेशान होके श्याओफेन बिना जान की परवाह किए उसे बचाने नीचे उतारता है। और एक पॉइंट के पास वो बंदर और लिंगर को परा हुआ देखता है और साथ ही वो फील करता है वहां का प्रेशर बहुत ही भयानक था, जो एनर्जी को खींच रहे है। और तभी वो बहुत स्ट्रगल करके लिंगर को पहले सेव करता है और फिर वो बंदर को तड़पता हुआ देखकर उसे भी बचा लेता है, क्योंकि उसका हार्ट बहुत ही काइंड है। लेकिन उतने में पानी के अंदर से एक चीज उसका प्यार को अट्रैक्ट करता है और उसे बचाने के चक्कर में वो भी पानी में कूद पड़ता है। बट एक लकड़ी लाइक चीज और वो प्यार्स एक होके एक वेपन बन जाता है और वहाँ ऑरा ब्लास्ट होता है, जो देखकर बंदर चौंक जाता है। बट श्याओफेन अनकॉन्शियस होता है। तभी सीन चेंज होता है और श्याओफेन नींद में लिंगर लिंगर कह के उसके फिकार में ही होश में आता है, जहाँ पीक लीडर और उनके वाइफ उसका ध्यान रख रहे थे। और हाँ, मैं कहना भूल गया था कि पीक लेडी उसके टुवर्ड्स बहुत काइंड था शुरुआत से। और तभी होश में आते ही पीक लीडर कहता है क्या हुआ, जहाँ वो सारा कुछ कहता है, जो सुन के पीक मास्टर कहता है कि मेरे पीक में कैसे कैसे डिसाइपल है जिनसे एक बंदर भी संभाला नहीं चाहते। लेकिन पीक लेडी उसे आराम करने कहता है और तभी वह बंदर उस वेपन को बहुत मेहनत करके लाता है। बट तभी वो लिंगर के सामने एक्सपोज होता है और सो लिंगर गुस्से से उसे मारने के लिए पीछा करना फिर से शुरू करती है। लेकिन श्याओफेन उसे बचा के नाम दे के खुद का एक पेड़ बना लेता है और फिर वो रात का कार्यक्रम यानी उसका कल्टीवेशन का काम चालू करता है, जहाँ उसे इस टाइम थोड़ा इम्प्रूवमेंट महसूस होता है। और फिर नेक्स्ट डे खाना प्रिपेयर करते करते श्याओफेन लिंगर के लिए एक प्यारा गिफ्ट उसे देने का सोचता है। उतने में लिंगर सामने आके कहती है क्या गिफ्ट मुझे दिखाओ, तो वो शर्मा के मारे उसे छुपाने लगता है। और लेकिन तभी लिंगर भी उस गिफ्ट को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन छीनातानी में वो गिफ्ट एक देग में पड़ जाता है जहाँ खाना पक रहा था। और उतने में पीक लीडर से मिलने हुआ लोंगशू पीक से लिंगयू और किवाई हाओ आता है और लिंगयू का आने की खबर सुन के श्याओफेन बहुत ही खुश होता है। बट आपको तो पता है लोंगशू और उसके लीडर से पीक लीडर यानी डाजू पीक लीडर कितना खफा है। लेकिन तभी किवाई हाओ उनके मेजर्स देखकर कहता है अंकल आप गलत समझ रहे हो, हम यहाँ ड्यूल ऑफ सेवन रेंजर की इस बार रूल चेंज हुआ उसी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ देने आए है। दरअसल बात यह है कि इस बार कॉम्पिटिशन में बहुत से डिसाइपल को मौका देने के लिए रूल को चेंज किया जा रहा है और वो सारा कुछ उन्हें बता देता है, जहां हमारा पीक मास्टर अलग ही रिएक्शन देता है। और उतने में लिंगयू से मिलने श्याओफेन वहां पहुंच जाता है और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बहुत ही अच्छा एक ब्रोमेंस देखने को मिलता है और वहां वो जिंगयू को लिंगर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। और तभी पीक लीडर कहते हैं जैसे कि सब सुना कॉम्पिटिशन के बारे में, सो सब तैयार रहना। और फिर पीक लीडर के जाने के बाद किवाई लिंगर को फ्लर्ट करना शुरू करता है, उसका तारीफ करके जो सुन के वो भी उसके ओर अट्रैक्ट हो जाती है, जिसके चलते श्याओफेन के बुलाने पर भी वो बाहर नहीं आती है, जिस बात से श्याओफेन को थोड़ा हार्ड
शर्ट होता है, लेकिन दोनों भाई बाहर आके तभी वो उडेन शॉर्ट से पुरानी याद और 99 बैटल को शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा लास्ट जो कांड हुआ था उससे पहले उनका 99th बैटल चल रहा था। और अभी 99th में वो लोग शुरू करते हैं जहां शियोफेन कहता है आज तो मैं तुझे जरूर डिफीट करूंगा, लेकिन उतने में लिंगर बाहर आके सोचती है जिंग्यू स्ट्रांग होने के नाते शियोफेन को बुली कर रहा है, सो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी गुस्से में जिंग्यू भी उसके साथ भिर जाता है और तभी शियोफेन दोनों को कहता है अरे तुम्हें गलतफहमी हो रहा है, लड़ना बंद करो। तभी उतने में सब वहां आते हैं और पीक लीडर कहता है लोंगशो पीक डिसाइपल ये क्या हरकत है, और तभी क्यूआई हाउ आके जिंग्यू को उससे माफी मांगने कहता है, और लेकिन वो टफ गाय माफी मांगने भी टाइम लगाता है। और मामला सॉर्ट होने के बाद क्यूआई फिर से लिंगर से बातें करना शुरू करता है और उसे एक गिफ्ट देके कहता है इसे माफी के तौर पे एक्सेप्ट करो, और जहां लिंगर भी पिघल जाती है जो देखकर शियोफेन फिर से मनी मन गुस्सा होता है, जो देखकर जिंग्यू कहता है क्या तुम्हें वो पसंद है, जहां वो बहुत ही शाय होके कहता है नहीं बिल्कुल नहीं तुम क्या कह रहे हो, जहां जिंग्यू कहता है तो फिर जेलेसी क्यों फील कर रहे हो। और फिर मजाक मस्ती में दोनों पीक एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं जहां जिंग्यू कहता है हम कितना लकी है जो 60 साल में एक बार होने वाला कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, जो सुन के शियोफेन वहां जाने के लिए थोड़ा और एक्साइटेड होता है। और उतने में क्यूआई आके उसे कहता है चलो अभी हमें चलना चाहिए, जहां जिंग्यू कहता है शियोफेन तो फिर ठीक है हम सीधा कंपटीशन पर मिलेंगे। देन सीन चेंज होता है और रात में शियोफेन क्यूआई हाउ और लिंगर के इन सब चीजों से बहुत परेशान होता है, और उतने में रात में छुपके लिंगर आके उसे एक टेक्निक हैंडओवर करती है, जहां शियोफेन इतना रात में वो आई हुई इसीलिए पहले से उस बात से डरा हुआ था, ऊपर से वो रूल्स के खिलाफ भी था क्योंकि वो टेक्निक सिर्फ मास्टर के पास रहता है, सो अगर मास्टर को पता चला वो सोचकर वो और डरने लगता है। लिंगर भी लाइक पापा को ना मैं कहने वाली हूँ ना तुम, तो पता कैसे चलेगा, सो चुपचाप इसे उठाओ और प्रैक्टिस करो, मैं नहीं चाहती तुम्हें फिर से जिंग्यू के तरह कोई और बोली करे, जो देखकर मेरे दिल से एक आवाज निकल आया कि तरपा क्यों रहे हो, अगर कोई तुम्हें लेकर इतना सोचते हो तो क्या आप सोचोगे। हाँ जी शियोफेन भी वही सोचा था, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही मैडम जी क्यूआई हाउ का गिफ्ट दिखाकर औकात दिखा देती है। खैर उसे जाने दो, क्योंकि उसके जाने के बाद शियोफेन प्रैक्टिस करना शुरू करता है, जहां उसे इस बार पहले से ज्यादा मात्रा में इम्प्रूवमेंट फील होता है, और उसे स्टोर रूम से उतने में कुछ आवाज सुनने को मिलता है तो वो वहां चला जाता है, जहां वो जाके बाइशू को प्रैक्टिस करता हुआ देखकर कहता है तुम बहुत ऑसम हो, काश मैं भी कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिल पाता, जहां बाइशू कहता है डोंट वरी ब्रदर मैंने सुना एक पीक से इस बार 8 से 9 डिसाइपल पार्टिसिपेट करने वाला है। देन जिंग्यू को देखने को मिलता है जो एस यूजुअल पावरफुल दिख रहा था, और उसके बाद सैक मास्टर को देखने को मिलता है जो प्रे कर रहा था, और उनका मोटिव ये है कि डीमन एविल है और उनका सफाया करना बहुत जरूरी है। और फाइनली कंपटीशन का दिन आ गया जहां सभी रेडी होता है, लेकिन लिंगर शियोफेन का वेपन देखकर कहता है ये क्या अजीब स्टिक लेके जा रहे हो, और उतने में वो एक शॉट उसे के सेफ्टी के लिए एज ए गिफ्ट के तौर पे देता है, और फाइनली सब कंपटीशन के लिए एरिना पहुंच जाते हैं। इस कंपटीशन का एक और मकसद भी है, क्योंकि तभी पीक लीडर्स और ग्रैंड मास्टर्स का एक मीटिंग देखने को मिलता है, जहां चानसोंग कहता है लियानशुए से का हालत ठीक नहीं है, जिससे उनका हिम्मत भी डाउन हो चुकी है, सो हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जहां हमारे मोटे लीडर कहता है तुम्हें तो बहुत कुछ मालूम है, तभी एक पीक मास्टर कहता है वनफू एंशियंट कैप कॉनसोंग माउंटेन पर लोकेटेड है, जहां नॉर्मल लोग टिक भी नहीं सकते हैं। तभी एक मास्टर कहता है 800 साल पहले वहां लियानशुए सेक्ट हुआ करता था, और हालांकि उनका पतन हुआ है लेकिन वो जगह अभी भी खतरनाक है। और तभी सेक मास्टर कहता है जबकि दुश्मन चाल चलना शुरू किया है तो हमें फेंगशियांग वैली और टियानियान टेंपल के साथ काम करना पसंद करूंगा, लेकिन इस ड्यूल का विनर्स और टॉप डिसाइपल हमारे सेक का पिलर बनेगा, जो सेक के खातिर दुश्मन के ऊपर जासूसी करने जाएगा। सो मैंने कहा था ना, इसीलिए कॉम्पिटिशन का भी एक मकसद है।
तो वो यही था। और तभी सीन चेंज होता है और डाजू डिसाइपल के वहाँ वेन नमक एक लड़की आती है जिसे सीनियर ड्रैन पसंद करती है। बट जैसे ही उसे बाकी डिसाइपल उसे लेकर मजाक करने लगते हैं तो वो शर्मा जाता है। तभी वहाँ क्यूआई हाउ बाकी डिसाइपल के साथ पहुंच जाता है और लिंगर से बातें करना शुरू करता है और लिंगर फिर से प्यार में फिसल जाती है। और तभी वेन उसे वहां से लेके आगे आती है बाकी लोगों से मिलाने, और उतने में फिर से जिंग्यू निकल कर आता है और वंस अगेन ब्रोमेंस एक मूवमेंट देखने को हमें मिलता है जहाँ शियाफेन कहते तुम इंसान हो या फिर और कुछ, इतने तेजी से पावरफुल हो रहे हो। जहाँ इस बार जिंग्यू कहता है तुम्हारा भी पावर पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है क्योंकि मैं तुम्हारा ऑरा को फील कर पा रहा हूँ। और फिर उसके बाद एक डिसाइपल शियाहुआ के पीछे ही पर जाता है और फिर वो भाग के शियाफेन के पास आता है। और तभी वो बंदा आके कहता है अच्छा तो तुम हो इस बंदर का मालिक। और जहाँ शियाफेन उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है तभी वो शियाहो को सुनने की कोशिश करता है बट वो उसके ऊपर एग्रेसिव हो जाता है जहाँ शियाफेन उसे शांत होने कहता है। और उतने में वो बंदा कहता है ये 3 आई मांकी एक वाइल्ड एनिमल है जिससे आज से पहले कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन तुम ये कैसे कर रहे हो। जहाँ शियाफेन भी लाइक क्या कह रहे हो, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। और तभी वो मंकी का 3rd आई के बारे में और कहने लगता है, लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर कॉम्पिटिशन को ओपनिंग स्पीच देना शुरू करता है बट वो बंदा फिर भी मंकी को एनोइंग करना शुरू करता है जिसके चलते मंकी वहां से कहीं और चला जाता है। और तभी शियाफेन को कहता है वो सॉरी मैंने इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं, दरअसल मेरा नाम है चेंग शूशू। और तभी शियाहुई फिर से आता है और उतने में चेंग शूशू फिर से शुरू होता है बट तभी शॉर्ट सेरेमनी शुरू होता है और तभी शियाफेन की वेपन भी चमक उठता है जिससे अट्रैक्ट होकर मास्टर ऑफ सोल वहां आता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर रिस्पेक्ट के साथ उसे वहां से वापस भेजता है। और उसके बाद चांसंग लिन हुए मिरर निकल कर कहता है ये विनर के लिए रिवॉर्ड है। और तभी कुछ डिसाइपल कहता है ये मिरर बहुत ही असम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे पास डाउन होते हुए आ रहा है जो किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और तभी चांसंग रूल समझाने लगता है जो ये था कि लॉर्ड्स ड्रो होगा यानी स्टूडेंट को नंबर दिया जाएगा और नंबर के अकॉर्डिंग फर्स्ट और लास्ट आके एक दूसरे से कॉम्पीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉम्पिटिटर है 64, सो जिससे नंबर 1 टोकन मिलेगा वो 64 से लड़ेगा और जिसे नंबर 2 मिलेगा वो उसे 63 से लड़ना होगा। आई होप आप समझ गए हो। और उतने में टोकन मास्टर ऊपर उछल देता है जिसे सब कूद के पकड़ लेता है बट शियाफेन आराम से खड़ा रहता है और उसके पास एक आके गिरता है और उसे वो उठा लेता है और उसे नंबर 1 मिलता है। सो उसे 64 से लड़ना था मगर 64 कॉम्पिटिशन अटेंड करने आया ही नहीं था तो वो टॉप 32 में डायरेक्टली पहुंच जाता है। लेकिन बाकी सबका एक एक करके फाइट शुरू होता है जहाँ क्यूआई हाउ को फाइट करता हुआ देखकर लिंगर शर्मा जाती है और दूसरी ओर शियाफेन और शियाहुई जिंग्यू के फाइट के दौरान बहुत चीयर अप करना शुरू करते हैं। और तभी ये सब फाइट तो बहुत फर्स्ट गुजर जाते हैं मगर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फाइट होता है चाउयांग पीक के शैन टोंडियो और डाजुबेक के लिंगर के बीच और दोनों के बीच बैटल बहुत ही तगड़ा चलते हैं जहाँ शियाफेन उसे काफ़ी हुटिंग करता है और मतलब सपोर्ट करता है, लेकिन कबाब का हड्डी चैन शूशू वह आके उसे डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करता है और उसके मंकी को भी मंगता है जहाँ वो साफ मना करके लिंगर की मैच पर फोकस करना शुरू कर देता है। और तभी शैन जो पत्थर को कंट्रोल कर सकता है उससे वो लिंगर को चारों ओर से घेर लेता है और हालांकि लिंगर ने काफ़ी बढ़िया फाइट किया मगर वो शैन को हरा नहीं पाया बस शियाफेन के चलते, क्योंकि जब जब वो खतरे में आ जाती है तो शियाफेन परेशान होता है और उसका वेपन उससे जुड़ा होने के कारण वेपन की पावर बार बार उसे बचा लेती है। लेकिन उतने में चैन शियाफेन को लड़कियों की तस्वीर वाली एक किताब देता है जिसे वो हाथ में उठा के एम्ब्रेस फील करता है और फाइट पर ध्यान वो नहीं दे पाता है, लेकिन उसका वेपन पावर लिंगर को जिता देती है जिसे सभी खुशियां मनाने लगते हैं। और तभी लिंगर आके उसे कहता है मेरी फाइट शानदार था ना, जहाँ वो बुक छुपा के कहता है तुम जीत गए हो, जो सुन के वो नाराज हो जाती है। और अभी से शियाफेन का रोलर कोस्टर राइड शुरू होता है या फिर आप कह लो जर्नी टुवर्ड्स मैडनेस, बिकॉज अपने को खोने के बाद डाजू पीक में अभी तक उसका जिंदगी थोड़ा बहुत स्टेबल था लेकिन अभी
नहीं, क्योंकि लाइफ में वैसे ही पंगा चल रहा था। ऊपर से चैन उसे खींच के छोपी की लुशुओ की फाइट दिखाने के लिए ले आता है, वो भी लिंगर के सामने में से। और तभी लुशुओ की उस फाइट को जीत भी जाती है और उसका मूव और स्ट्रेंथ देखकर सब दंग रह जाते हैं। लेकिन उतने में जो हारा वो बंदा लोंगशू पीक का था, तो पीक लीडर शियानजो लीडर यानी लेडी मास्टर के ऊपर थोड़ा र्यूट होके कहने लगता है, आखिरकार सब किनियन सेक का ही तो लोग है, तो तुम्हें तुम्हारे डिसाइपल को इतना र्यूट टेक्निक सिखाया क्यों? और फिर वो लीडर गुस्से से वहां से निकल पड़ता है। बट हमारा डाजू लीडर उसकी जली परी देखकर खुश होता है। लेकिन आज का कॉम्पिटिशन इसी फाइट से खत्म होता है। बट शियाफेन की परेशानी शुरू, क्योंकि वो रात में लिंगर को कीवाई हाव के साथ कपल के तरह घूमते हुए देखता है, जिससे मानो वो टूट जाता है। बट तभी सीन चेंज होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग शियाफेन का बैटल देखने को मिलता है, और वो भी टॉप 32 का बैटल होने के नाते उसका ओपोनेंट भी बहुत स्ट्रांग आ चुका है। लेकिन वो सैड है क्योंकि लिंगर उसे छोड़ के कीवाई हाव का कॉम्पिटिशन देखने चली गई है। लेकिन चैन उसे कंपनी देने के लिए वहां पहुंच जाता है और फिर उसका बैटल शुरू होता है, जहां शुरुआत में वो लिंगर की दिया हुआ शॉट से लड़ना शुरू करता है। बट ओपोनेंट ताकतवर होने के कारण वो उसे कुछ नहीं कर पाया, सो वो आखिरकार उसका वेपन निकालता है, जो देखकर हर कोई इसका मजाक ही बनाता है, ये क्या निकला। लेकिन जहां ओपोनेंट भी बहुत स्ट्रांग अटैक करता है, तभी उसका ब्लास्ट वेपन से कनेक्ट होता है और वेपन से ब्लैक स्मोक और साथ ही रेड ऑरा बाहर आना शुरू होता है, जिससे अंदर क्या चलता है किसी को कोई आइडिया नहीं चल पाता। बट उसी के साथ शियाफेन फास्ट बैटल उस बंदे को हरा के जीत जाता है, बट वो भी अनकॉन्शियस हो जाता है। और तभी सीन चेंज होता है जब फर्स्ट टाइम पीक लीडर उससे इम्प्रेस होता है, जिससे वो काफी खुश होता है। लेकिन तभी उनका यानी शियाफेन और लिंगर का नेक्स्ट बैटल का बात किया जाए तो दोनों साइड बाई साइड ही चलते हैं, जहाँ सभी डिसाइपल लिंगर का बैटल देखने आते हैं। लेकिन चैन और हमारा मंकी शियाफेन के लिए चिल्लाते हैं, सो पहले लिंगर की बैटल की बात करते हैं। तो उसकी ओपोनेंट इस बार है लुशुओ की, और वो कितनी पावरफुल है आप लोगों ने लास्ट बैटल पर देखे होंगे। सो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और उतने में लिंगर को सपोर्ट करने के लिए वह कीवाई हाव भी पहुंच जाते हैं, जो देखकर डाजू पिक डिसाइपल कहते हैं, लो हो गया सत्यानाश, आप लिंगर डिस्ट्रैक्ट होगी। और वैसे ही कई बार होता भी है, लेकिन दोनों के बीच कांटे की टक्कर होते हैं। बट लुशुओ की बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसकी मास्टर उसे बहुत से सीक्रेट टेक्निक सिखाया भी है, यानी मास्टर एंड डिसाइपल दोनों ही बैडस है। और उसी के चलते वो लिंगर की खतरनाक रिबन अटैक को भी तोड़ के यानी उसी की रिबन से उसे ही बहुत टाइम खेलती है और आखिरकार उसे हरा देती है, जिससे पीक मास्टर यानी लिंगर की डैट नाखुश होता है। लेकिन दूसरी ओर शियाफेन की उसके ओपोनेंट से लड़ने में जी जान लगा देता है, इवन वो सब याद करता है कैसे पीक लेडी से लेकर मास्टर ने उन्हें कैसे सिखाया, उन लोग कितना मेहनत किया, वो सब याद करके वो आग को चीर के मैच को जीत जाता है। लेकिन वो बुरे हाल में लीडर के पास पहुंच जाता है, जो देखकर लीडर कहता है, तुम भी हार गए हो, जहां वो कहता है, नहीं मैं जीत गया। और उतने में वो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसका जीत का भी अनाउंसमेंट होता है। और तभी सीन चेंज होता है और लीडर एंड पीक लेडी उसका देखभाल करती है, जहां लीडर को शक होता है आखिर इतना पावरफुल ओपोनेंट को वो कैसे हराया। लीडर को शक होता है आखिर वो इतना पावरफुल ओपोनेंट को कैसे हराया। तभी लीडर को उस सीक्रेट टेक्निक का याद आता है जो लिंगर ने उसे दिया, जहां पीक लेडी भी उन्हें मनाने लगती है कि उसे शायद लिंगर ने ही दिया है। और तभी लीडर कहता है, मैंने लिंगर को डांटा क्योंकि वो लोंगशू पीक डिसाइपल को दिल दे के बैठी है और मुझे वो लोग कतई पसंद नहीं है। जहां पीक लेडी लीडर को समझाते है कि लिंगर बरी हो चुकी है, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। तभी दोनों वहां से चले जाते हैं और जहां श्याम सारा बातें सुन लिया था, तो वो लिंगर की पास जाती है, मगर लिंगर रोती हुई कहती है, डैड को बस पीक की परी है, लेकिन मेरी खुशियां मेरी इमोशन उन्हें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कीवाई हाव मेरे लिए सब कुछ है और कीवाई हाव अभी मेरा सब कुछ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और उसकी सारी फीलिंग्स को वो शियाफेन से
कहती है रोते हुए, वहाँ से फिर चली जाती है, जो सुनकर शियाओफेन का सारा फीलिंग्स मर जाता है। और मरे हुए फीलिंग्स को लेकर वो नेक्स्ट डे उसका फाइट लुशुएकी से करने एरिना पहुंच जाता है और दोनों के बीच बहुत भयंकर बैटल चलते हैं। और इस बार वेपन से ऑरा शियाओफेन के बॉडी को भी कवर करता है, जिसे वो किसी डीमन से कम नहीं लग रहा था। और वो लुशुएकी को ऑलमोस्ट हराने चला था, लेकिन तभी लुशुएकी अपने मास्टर की बात याद करती है और उनका सबसे खतरनाक अटैक यूज करना चालू करती है। लेकिन फ्लैशबैक में देखने को मिला था मास्टर उसे साफ कही थी कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी है, बट वो जीत की इतना भूखी है सो वो शियाओफेन को हराने के लिए वो खतरनाक टेक्निक यूज करता है, जिसे थंडर करकना शुरू होता है। और तभी उसे हराने के लिए शियाओफेन बहुत ही बैडस वे में वेपन के साथ अटैक करने आगे बढ़ता है, जिससे कुछ पल के लिए लुशुएकी भी डर जाती है। लेकिन उतने में शियाओफेन लुशुएकी को लिंगर देखता है और अटैक करने से मना ही कर देता है, छोरो वो अटैक करना छोड़ ही देता है और उसकी थंडर अटैक का शिकार हो जाता है, जो देखकर वो भी परेशान होती है क्योंकि उसने लास्ट मोमेंट पर कुछ भी हलचल नहीं किया था। लेकिन तभी पीक लीडर आके उसे बचा लेता है, लेकिन उसका वेपन और पावर देखकर लोंगशु पीक लीडर ग्रैंड मास्टर से कहता है शायद शियाओफेन एक जासूस है और वो डीमन वेपन यूज कर रहा है। और तभी सीन चेंज होता है जहाँ शियाओफेन को देखने को मिलता है, बट वो सैड है क्योंकि उसके कॉमरेड भी सोचने लगा है कि वो डीमन पावर वेपन को यूज कर रहा है, सिवाय ब्रदर ड्रेन के, वो उसे काफी मोटिवेट करता है। और तभी बाकी फाइट्स भी देखने को मिलता है, यानी कियाहुआन शेन को हरा के फाइनल्स में लुशुएकी को भी हरा के विनर बन जाता है। और तभी सीन चेंज होता है और शियाओफेन को पीक लीडर और ग्रैंड मास्टर के सामने लाया जाता है, जहां लोंगशु पीक लीडर उसे सरासर एक जासूस का टैग देता है। लेकिन हमारे मोटे लीडर उसे हर बार डिफेंड करता है, इवन फिजिकल होके तक भी, यानी ही इज डैम केयर अबाउट शियाओफेन। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर दोनों लीडर को शांत होने कहता है और शियाओफेन का वेपन डार्क पावर से बनी है उस बात का कोई प्रूफ नहीं है, उसके ऊपर से हम अगर उसको सजा देते हैं तो वो बुरी बात होगी क्योंकि तब हम में और डीमंस में कोई फर्क नहीं बचेगा, और ऐसा ग्रैंड मास्टर का कहना था। और तभी ग्रैंड मास्टर के बातों से वो खुश होता है और उतने में ग्रैंड मास्टर उसे उसका वेपन सौंप के दुश्मन के ऊपर स्पाई करने का मिशन उसे बाकी टॉप थ्री के साथ सौंपता है, जिस बात पर लोंगशु पीक लीडर बहुत नाराज होता है। लेकिन अभी करने के कुछ बचा नहीं और वो किंग यंग सैक के खातिर चारों वहां से निकल पड़ते हैं और वो काफी खुश है। और फिर वो लोग एक सिटी में पहुंच जाते हैं जहां लोग उन्हें पहचानते हैं कि वो लोग किंग यंग सेक्ट से हैं और खुश भी होते हैं। और तभी चारों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में घुसता है जहां शैन पहले भी आ चुका था, तो वो वहां का टेस्टी मील वो ऑर्डर करता है, जो देखकर शियाओफेन बहुत ही खुश और एक्साइटेड होता है। और स्पेशली उसे वहां का एक मछली बहुत ही लजीज लगता है, जहां वेटर उसे कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां ये फ्रेश मछली को पकाया जाता है। तभी ये खूबसूरत लड़की आके कहती है झूठ, क्योंकि ये मछली सिर्फ और सिर्फ माउंटेन ऑफ झुगो में मिलता है और वहां से लाने में महीने भर का वक्त लगता है, तो मछली फ्रेश कैसे हुआ। जहां वेटर कहता आपका कहना भी सही है, लेकिन बरसों पहले ये मछली को लाके उसका फर्मेंटेशन शुरू किया गया है, सो हम यह फ्रेश मछली सर्व करते हैं। जिस बात पर कुछ लोग एग्री करता है, बट एकदम केयर फ्री वो लड़की किंग यंग को बुरा भला कहने लगती है। उतने में उसकी आंट उसे कहती है भी आओ वापस आओ अभी के अभी, सो वो ऊपर चली जाती है। और तभी खाना पीना के बाद सीन चेंज होते हैं और सब रेस्ट के लिए अपने अपने रूम के ओर जाने लगते हैं, लेकिन शियाओफेन को लुशुएकी रोक लेती है और फाइट को याद करके कहती है तुम्हें अचानक क्या हुआ था, क्योंकि तुम वहां जीत भी सकते थे। जहां शियाओफेन असली बात को छुपा के लुशुएकी को झूठ कह के आकर सो जाता है, लेकिन तभी उसे बहुत अजीब सपना आना शुरू होता है, जहां वो देखता है उसका एविल वर्शन ही उसे मारने लगता है, यानी नाइटमेयर, जिसके चलते वो सो नहीं पाता है, तो वो बाहर वॉक करने निकल पड़ता है, जहां वो बाहर आके बियाओ को
फूल तोड़ते हुए देखता है। सो वो कहता है तुम्हें वो तोड़ना नहीं चाहिए था क्योंकि फूलों में भी जान होती है, जो सुनकर बियाओ हंसने लगती है और उसे उसका नाम पूछती है। जहां पहले तो शियाओफेन उसे बता नहीं रहा था, मगर शी इज डैम क्लेवर, सो उससे उसका नाम उगला लेती ही है। और उसके बाद वो शियाओफेन से पूछता है कि फ्लावर ज्यादा खूबसूरत है या फिर मैं। जहां शियाओफेन कहता है ऑफ कोर्स तुम, जो सुनते ही बियाओ भी लाइक सारे मर्द एक जैसे ही होते है, यानी वो सोच रही है कि शियाओफेन उसे फ्लर्ट कर रहा है। और वो सुन के शियाओफेन के लिए भी सिचुएशन ऑकवर्ड होता है, तो वो वहां से अनकंफर्टेबल होके चला जाता है। और तभी बियाओ सोचती है मैंने ऐसा पर्सन कभी नहीं देखा जो फूल के आंसू को भी प्यार करता हो। तभी वहां उसके आंट आके उसके हाथ में वो फूल देखकर कहती है ये फ्लावर तुम्हारी मम्मी के गुजर जाने के बाद गार्डन से तबाह हो गया। जहां बियाओ कहती है आंट मुझे उस बारे में सुनना नहीं है। जहां आंट कहती है लेकिन बेटी तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करता है। जहां बियाओ गुस्से से कहती है नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मुझे मिलने जरूर आता और मम्मी का गुजर जाने का कारण भी मैं ही हूँ। जो सुनकर आंट उदास होती है। जहां बियाओ कहती है अभी मुझे अकेला रहना है तो आप चले जाओ। जहां आंट कहती है तुम्हें पता है ना हमें माउंटेन में क्या करना है, सो अपना ध्यान रखना। जहां बियाओ कहती है जी जरूर। तभी सीन चेंज होता है और चारों को एंशिएंट केप के ओर जाते हुए देखने को मिलता है। और जैसे ही वो लोग केप के पास पहुंचते हैं तो उनका ऊपर ब्लड बैट अटैक कर देता है, जिनसे वो लोग लड़ने लगते हैं। उतने में टियानियन टेंपल से दो मोंग और लीशुन फेंगशियन फैली से वहां उन्हें मदद करने पहुंच जाते हैं, लेकिन लेट होने के लिए उन्हें सॉरी कहते हैं। जहां चारों कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमें रेस्क्यू करने आए हो वही बड़ी बात है। और फिर सब लोग केप के अंदर घुसना शुरू करते हैं, जहां उनके ऊपर लियानशुए सैक का डेविल द्वारा अटैक होता है और माहौल बहुत ही इंटेंस हो जाता है। और तभी वहां लियानशुए सैक का नियान भी अपीयर होता है, जिसे देखकर क्यूआई हो हैरान होकर कहता है तुम जिंदा हो। जहां नियान अटैक करके कहता है लेकिन इस इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। और तभी शियाओफेन को अटैक करके बाकियों से अलग किया जाता है, उसका ब्लड सक करना शुरू करता है, जिससे उसका हालत खराब होना शुरू होता है। और वो लिंगर को याद करता है लेकिन वो हार नहीं मानता, सो वो वेपन को सम्मान करके उस डीमन को मार देता है। तभी उस डीमन का हालचाल ना आ पाने के कारण नियान दूसरे बंदे को उसके तलाश में भेजता है। तभी वो आके उसका हाल देखकर डर जाता है और शियाओफेन से कहता है तुमने क्या किया। तभी शियाओफेन भी वो देखकर घबरा जाता है। जहां डेविल कहता है ब्लड सकिंग स्किल, क्या तुम मास्टर शिशुए का डिसाइपल हो। और फिर डेविल उनके डिसएडवांटेज देखकर वहां से भाग जाते हैं। जहां तभी सब मिलके फिर से केप को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, लेकिन उतने में दो और पावरफुल डीमन के साथ वो लोग फिर से हमला कर देता है। और इस बार सबको अलग अलग करके डीमन अटैक करता है, वो भी स्मोक के बीचों बीच, जहां लोग और कुछ भी नहीं देख पाते हैं। और फिर से एक जबरदस्त फाइट हमें देखने को मिलता है, पर लुशुओ की हमेशा शियाओफेन को बचाने आ जाती है, जो हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस बार वो फीमेल डीमन लुशुओ की को पकड़ के हॉस्टेज बनाती है और ऊपर से नियान और दूसरा डेमन शियाओफेन को कंटिन्यू अटैक करता है। बट शियाओफेन लुशुएकी को सेव करने के लिए जी जान लगा देता है और काफ़ी अमेजिंग फाइट हुआ चलता है, जो कि आप बीच बीच में देख सकते हो। जहां से लड़ते हुए वो उसका वेपन फीमेल डेमन पर छोड़ता है, बट वो चालाकी से लुशुएकी को आगे कर दिए, लेकिन शियाओफेन वेपन को कंट्रोल करके घुमा देता है, जिसे लुशुएकी को आज़ाद जिससे वो लुशुएकी को आज़ाद करवा लेती है। और क्या दोनों मिलके वहाँ आतंक मचाना शुरू करती है, क्योंकि लुशुएकी उसका शॉर्ट टेक्निक को काफ़ी अमेजिंग वे से यूज करना शुरू कर देती है। बट तभी नियान रेड आई डेविल यूज करता है, जिसे लुशुओकी भी हैंडल नहीं कर पाई और ऊपर से उसकी शॉट भी उससे कार्स होता है। जहां उसकी खराब हल देखकर शियाओफेन एक शील्ड बना के नियान के उस अटैक को डिफेंस करना शुरू करता है और साथ ही उसका वेपन उस अटैक को सप्रेस भी कर देता है, एब्जॉर्ब करके पावर्स को, जिसे वो हैरान होता है और गुस्से से पावर अप होकर शियाओफेन को बहुत मारता है। और
माउंटेन के नीचे फेंक देता है, लेकिन लुशियो की उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे कूद पड़ती है और उतने में बाकी सब वहाँ पहुँच जाते हैं और उनके साथ लड़ने लगते हैं। बट नियान वहाँ सबके वेपन को कार्स करके रखता है और दूसरी ओर लुशियो की और शियाओफेन को देखने को मिलता है, जहाँ लुशियो की एक जगह अपने शॉर्ट को टिका के उसे पकड़ लेती है। बट उसे दर्द बहुत जोर से हुआ है, जो देख कर शियाओफेन कहता है मुझे जाने दो, तुम जाओ यहाँ से, और उतने में उसके हाथ छूट जाती है। बट वो फिर भी उसे कैच करके एक शील्ड बनाती है और उतने में दूसरी ओर एक डीमन आके नियान को रेनफोर्मेंट्स आने का खबर देता है और उसी मौका का फायदा उठाकर कियाहाओ मिरर यूज करके कार्स को तोड़ता है। और तभी नियान वहां से भागने का डिसाइड करता है और चैन उन्हें मारने के लिए पीछे जाने लगता है। बट कियाहाओ कहता है नहीं, पहले हमें लुशियो की और शियाओफेन को ढूंढना होगा। और तभी लुशियो की को देखने को मिलता है, जो शियाओफेन को चेक करता है, जहाँ उसे दिखता है वो बहुत जख्मी है और उतने में एविल लाफिंग के साथ वहाँ बहुत सारे स्कैल्स आते हैं, जो कि वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है सक करके, और जो देखकर लुशियो की उनसे लड़ने लगती है। बट उसकी भी हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो शियाओफेन को बचाने के लिए एक शील्ड क्रिएट करती है, लेकिन कुछ ही टाइम में वो आउट ऑफ एनर्जी हो जाती है। लेकिन तभी वो देखती है उन स्कैल को शियाओफेन का वेपन एब्जॉर्ब कर रहा था और बाकी वहाँ से भागने लगता है। और तभी वो मामला ख़त्म होता है, लेकिन उतने में एक मॉन्स्टर ट्री अपीयर होती है, जो देखकर लुशियो की भी लाइक सोचा नहीं था किसी दिन ऐसे मरूंगी। और फिर उसके बची कुची एनर्जी से वो उसके साथ लड़ने लगती है, लेकिन ट्री मॉन्स्टर दोनों को पकड़ के उनका एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। लेकिन उतने में शियाओफेन को होश आता है और वो लुशियो की को दर्द में देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और उसके ऊपर डीमन पावर हावी होता है और वो वेपन से उस ट्री मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। और फिर लुशियो की बुरी हाल देखकर उसे हील करना शुरू कर देता है, जहां वो कहती है शियाओफेन अपने आप को फोर्स मत करो, लेकिन वो कहती है तुम चुप रहो और ब्रीदिंग पर ध्यान दो। लेकिन तभी वहां बियाओ आके कहती है लो हम फिर मिल गए, जहां शियाओ पूछता है तुम यहां, जहां वो कहती है जो डाइशू केव में उस चीज के लिए आया, सो क्या तुम्हें डाइशू केव मिला, जहां शियाओफेन कहता है डाइशू केव ये क्या है, जहां बियाओ कहती है तुम इंसान तो एक्टिंग करने में माहिर हो। तभी उसकी आंट कहती है इन्हें अरेस्ट करना होगा, बाकी सब मास्टर देख लेगा, और उनके ऊपर आंट अटैक करती है, जिसे लुशियो की एक बैरियर बना के डिफेंस करती है और शियाओफेन को वहां से भागने कहती है, क्योंकि बियाओ और उसकी आंट उन्हें घेर चुका है, जहां शियाओफेन कहता है हम दोनों चलेंगे तो साथ में ही चलेंगे। तभी वहां एक बहुत ही बड़ा स्नैक अपीयर होता है, जो देखकर सबका गला सूख गया है। बियाओ और उसकी आंट जो उन्हें अरेस्ट करने वहां आई थी और अभी सब लड़ना बंद कर देते हैं और स्नैक से कैसे बचा जाए उस बारे में सोचने लगते हैं। और इधर शियाओफेन स्नैक से बचने के लिए एक शील्ड बना के लुशियो की को सेव करता है, लेकिन उसकी हालत खराब देखकर वो स्नैक को उससे दूर ले जाने लगता है और साथ ही बियाओ भी उसे ज्वाइन करती है, जहां फर्स्ट टाइम शियाओ उसको सेव करती है और दूसरी बार शियाओफेन खुद का हाथ तोड़ के बचा लेता है स्नैक अटैक से, जिसके चलते दोनों एक केव में फंस जाते हैं, जहां बियाओ कहती है तुमने अपना हाथ क्यों तोड़ा मुझे बचाने के लिए। तभी शियाओफेन उसे डीमन कहता है, जहां बियाओ कहती है क्या कह रहे हो तुम, जहां शियाओफेन कहता है जब तुम हमें अरेस्ट करने की बात कर रहे थे तभी मुझे आइडिया लग गया था तुम डीमन हो। और तभी उनका क्यूट झगड़ा चलता है और एक दूसरे से चैलेंज लेता है कि कौन पहले केव से निकलेगा। सो दोनों केव ओपनिंग ढूंढना शुरू करते हैं, मगर केव बहुत मिस्टीरियस होने के कारण दोनों आपस में बार बार टकराते हैं, जहां शियाओफेन ब्लड स्टोन के बारे में जिक्र करता है, जो सुन के बियाओ कहती है सच में वो कहाँ है। तभी शियाओफेन उसे वो दिखाता है, जो देखकर बियाओ बहुत एक्साइटेड होती है, मगर तभी दोनों वहां से नीचे गिर जाते हैं। बट बियाओ आगे एक्सप्लोर करना शुरू करती है, लेकिन शियाओफेन थोड़ा घबराता है, जो देखकर बियाओ उसे डरपोक कहती है और आगे कहती है तो ये है डाइशू केव। और फिर वो एक कॉर्प्स को देखकर कहती है तो तुम 800 साल पहले का ब्लैक हार्ट एल्डर हो, तो तुम 800 साल पहले का ब्लैक हार्ट एल्डर हो सकते हो। तभी वहां से एनर्जी बाहर आता है, जो देखकर बियाओ कहती है
तुम ही हो ब्लैक हार्ट एल्डर, जो सुनके शियाओफेन कहता है, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो? जहाँ बियाओ कहती है वो 800 साल पहले लियान शुए सैक का मास्टर हुआ करता था और सैक उन्हीं के कारण फेमस हुआ था और सैक स्ट्रॉन्ग भी ब्लड स्ट्राइकिंग बीट से हुई थी और फिर वो उनके ट्रेजर के बारे में भी कहने लगती है। लेकिन तभी शियाओफेन का हालत खराब होता है और उसे बहुत जोर की फुकार आती है, जो देखकर शियाओफेन उसका देखभाल करने लगती है। जहाँ शियाओफेन अपना नाइट मेयर एक्सप्रेस करने लगता है, यानी घोस्ट जो उसके फैमिली को मारा, जो सुन के बियाओ रिएक्ट करती है ये भी अनाथ है, और जिस कारण बियाओ को उसके लिए दया आती है। सो वो उसे हील करके उसे पकड़ के बैठ जाती है और कहती है कोई नहीं, मैं तुम्हारा साथ हूँ। और दूसरी ओर क्यूआई हाउ और बाकी सब लुशुएगी को ढूंढ लेती है, बट वो जैसे ही होश में आती है तो वो शियाओफेन को ढूंढना शुरू करती है और फिर सभी उसे ढूंढने में लगा देता है। जहाँ कुछ दिन बीत जाते हैं बट उन लोगों को शियाओफेन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। सो वहाँ क्यूआई हाउ लुशुएगी को कहता है हमें वापस चलना होगा और इस इंसिडेंट को मास्टर को बताना होगा, वही हमारे लिए ठीक होगा। जहाँ लुशुएगी कहती है तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, मैं उसके बिना नहीं जाऊंगी। तभी मोंग कहता है अच्छे इंसान को ऊपर वाला प्रोटेक्ट करता है और शियाओफेन एक अच्छा इंसान है, सो उसे कुछ नहीं होगा। तभी जैन कहता है सिस हमारा जाना ठीक होगा क्योंकि हमें ये इंफॉर्मेशन मास्टर को देना ही होगा और मास्टर के ट्रैकिंग टेक्निक से हम वापस आके जल्दी उसे ढूंढ पाएंगे। और तभी लुशुएगी उसके साथ बिताया मोमेंट्स को याद करती है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उसे लाइक करना शुरू करती है। और तभी सीन चेंज होता है जहाँ शियाओफेन को होश आता है और वो बगल में बियाओ को देखता है और साथ ही उसका हाथ भी हील हो चुका है और साथ ही वो देखता है उसने बियाओ का सारा खाना खा चुका है। लेकिन तभी एंशियंट कॉर्प्स का स्कल देखकर वो अचानक डर जाता है, लेकिन तभी वो स्कल उठा के बॉडी में लगा देता है और उतने में केप का गेट ओपन होता है और तभी बियाओ भी जाग जाती है और वो कहती है क्या वो ओपनिंग है। तभी वो उस तरफ जाने लगती है जहाँ शियाओफेन कहता है ओए आराम से, जहाँ वो कहती है डरपोक कहीं का। लेकिन उतने में वो एक पोएम को देखकर पढ़ने लगती है, लेकिन पास में शियाओफेन को वो ना देखकर डर जाती है और फिर वो उसके पास जाके उसे साथ रहने कहती है और फिर वो लोग एक टेम्पल को डिस्कवर करती है और टेम्पल में बियाओ प्रे करने बैठ जाती है। लेकिन शियाओ उनसे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है होता है, लेकिन तभी वो कुछ लिखा हुआ देखता है जहाँ वो क्या है वो समझने की ट्राई करता है। लेकिन उतने में बियाओ हर जगह छानबीन करने लगती है ट्रेजर के लिए और कहती है ब्लैक हार्ट लीडर चीजों को कहाँ छिपाया होगा। तभी कॉर्प्स पॉइजन उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिनसे निपटने के बाद बियाओ कहती है वहाँ कुछ तो होगा, जिसके कारण ब्लैक हार्ट मास्टर पॉइजन ट्रैप को सेट करके रखा है। सो वो ट्रेजर समझकर आगे बढ़ती है, लेकिन उसे वह बेल्स मिलता है। सो वो कहती है इसके लिए इतना गार्ड क्यों, और फिर बेल को बजा के वो कहती है क्या ये मैडम जिनलिंग है हुएन की बेल्स है, और फिर वो कह के वो एक्साइटेड होती है। लेकिन शियाओफेन कहता है आह ये बस ऑर्डिनरी बेल्स है। लेकिन बियाओ जिनलिंग हुएन कितना पावरफुल थी और उनका सेक्ट और साथ ही बेल्स से वो क्या डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकती थी, सब कुछ शियाओफेन से कहती है। लेकिन शियाओफेन भी लाइक कल्ट का इन्फॉर्मेशन बाहर में गया। लेकिन तभी बियाओ सारे डॉट्स को कनेक्ट करके बहुत खुश होके कहती है तो मतलब 800 साल पहले जिनलिंग हैहुआन और ब्लैक हार्ट एल्डर कपल हुआ करते थे, और फिर जोर जोर से वो हंसने लगती है। जहाँ शियाओफेन कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, जहाँ बियाओ कहती है उस समय दोनों सेक एक दूसरे का सबसे बड़ा राइवल हुआ करते थे और उस समय उनके बीच रोमांस चल रहा था, ये ऑफकोर्स बड़ी बात हुई है। लेकिन फिर वो आगे कहती है ब्लैक हार्ट एल्डर हार्टलेस बंदा था जिसके कारण शायद जिंगलिंग को मरना पड़ा। जहाँ शियाओफेन कहता है वो हार्टलेस नहीं था क्योंकि अगर होता तो ये बेल्स वो संभाल के ना रखता और साथ ही उनके लिए ये पोएम्स ना लिखता। और तभी वो पोएम्स को देखने लगता है और तभी वहाँ से डीमन फ्लेम निकल आता है, लेकिन उसका वेपन सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर बुक ऑफ हेवन अपीयर होता है, जो सुनते ही शियाओफेन पूछता है ये बुक ऑफ हेवन क्या है। जहाँ बियाओ कहती है बुक ऑफ हेवन से ही तो हम हमारे टेक्निक को सीखते हैं। लेकिन तभी शियाओफेन शॉक्ड होता है क्योंकि वो बुद्धा का किताब से बिल्कुल सिमिलर है जिसे इंसान फॉलो करते हैं, लेकिन बियाओ डीमन है वो लोग भी उसी को फॉलो करते हैं, जो देखकर वो बहुत परेशान होता है। और तभी सीन चेंज
होता है, जहां लुशुओ की अभी भी शाओफेन का कोई खबर ना पाने के लिए परेशान होती है। तभी फिर से सीन चेंज होता है और जबकि हमें पता है दोनों बुरे तरह केव में फंस चुके हैं और ना ही उनके पास सर्वाइव करने के लिए खाना बचे हुए है। सो तभी शाओफेन बायू से कहता है, अगर मैंने तुम्हारा खाना ना खाया होता तो तुम शायद से कुछ दिन और जिंदा रह पाते। जहां वो कहती है, कुछ दिन मैं जिंदा रह के क्या कर लेता और क्या तुम मौत से डरते हो। जहां शाओफेन कहता है, मेरे पास खोने के लिए अभी कुछ बचा ही नहीं, सो मैं डेथ से क्यों ही डरूं। जहां बियाओ कहती है, क्यों लुशुओ की तो है ना, क्योंकि वो सोचती है शाओफेन उसे प्यार करती है और उसी कारण वो उसे एक नाइफ देकर कहती है मुझे मार डालो। जहां शाओफेन भी लाइक पागल हो गए हो क्या। जहां बियाओ कहती है, क्योंकि तुम तो हमेशा से डीमन को खत्म करना चाहते थे, सो आज मौका दस्तूर सब है, मुझे मारो और फिर मेरे मांस खा के तुम कुछ दिन यहाँ और सर्वाइव कर पाओगे। जहां शाओफेन गुस्सा होता है और कहता है, डीमन जैसे बातें मत करो। तभी बियाओ कहती है, ठीक है तुम नहीं मारते हो तो मैं खुद को ही खत्म कर देता हूँ। और तभी शाओफेन उसे रोक के उसे दूर करता है और नाइफ से और फिर मौत का एक मंजर उसे दिखाता है फेक अटैक करके। लेकिन वहां बायू कहती है, पता है मौत का इंतजार करना कैसा होता है। और फिर वो आगे उसकी एक ब्रूटल कहानी बताती है, जो कि ये था कि जब वो 6 साल की थी तो उसकी मम्मी के साथ वो एक कैब में बुरी तरह फंस गई थी, जहां इवन उसकी ग्रैंड मां भी थी जो स्टोन के चपेटे में आके चल बसी थी। और तभी दिन बीतते गया और उसकी मम्मी कहती रही कि तुम्हारा पापा हमें बचाने आएगा, लेकिन वो बच्ची होने के कारण भूख लगने पर जीत करती थी, सो उसके मम्मी खुद का मांस उसे खाने देती थी खाने के तौर पे, जिसे और दिन बीतने पर उसकी माँ का हालत बहुत बिगड़ गई और वो मर गई थी। और तभी उसके पापा उसके मम्मी के नाम से आवाज देने लगी थी एक दिन आके, बट उनके बुरे हाल देखकर वो बहुत ही गुस्सा हुआ था, जिसे देखकर बियाओ ने फील किया कि उसके खुद का पापा जान से मारना चाहता था। और तभी उसके मम्मी की डेथ के कारण वो खुद को समझ के खुद को कोसने लगती है, जहां शाओफेन उसे हक करके उसे संभालने लगता है। इवन वो उसके पापा के बारे में भी कहता है कि शायद तुम्हें उन्हें लेकर गलतफहमी हुई हो। ब्रो बियाओ का बैक स्टोरी यह सैड जरूर था और भाई दिल को छू गया। और खैर तभी सीन चेंज होता है, जहां बियाओ प्रे करने लगती है, चाहे वो खुद मर जाए उसको परवाह नहीं है, लेकिन वो शाओफेन को गॉड को बचाने कहता है और इवन उसके लिए वो ब्लड रिचुअल भी परफॉर्म करने लगती है, जो देखकर उसे रोकने जाता है, मगर उसका हाथ भी उसमें कट जाता है और खून जमीन पर गिरने लगता है। और उतने में दोनों का खून जैसे ही जमीन पर गिरते हैं तो वहाँ एक स्पेल अपीयर होता है। तभी शाओफेन वहाँ गैप देखकर बियाओ को वहाँ बेल्स को रखने कहता है और जैसे ही बेल्स को वो रखती है तो केप कोलैप्स होना शुरू होता है, जिसे देखकर शाओफेन बियाओ को लेके भागना शुरू करता है। और कुछ देर भागने के बाद उन्हें एक ओपनिंग मिलता है तो दोनों फाइनली केप से निकल आते हैं। और बाहर आते ही शाओफेन बहुत खुश होता है और फिर दोनों के बीच कुछ प्यारा मोमेंट्स हमें देखने को मिलता है। और वह शाओफेन बियाओ को खाना पका कर भी खिलाता है, जो खा के वो कहती है मैंने आज लाइफ की सबसे लजीज खाना खाया, एंड वो उसे पसंद करने लगी है। और फिर सीन चेंज होता है और अभी असली किस्सा शुरू होता है, जो कि ये है कि इंसान सही है या फिर डीमन, जिन्हें इंसान कल्ट कहते हैं और कौन गलत है। क्योंकि नेक्स्ट डे बिया और शाओफेन के इसके ऊपर भारी बहस होता है, जब शाओफेन बियाओ को कहता है तुमने कैब में मुझे बचाया, मेरा ख्याल रखा, मैं ये फेवर एक दिन जरूर चुकाऊंगा। जहां बियाओ कहती है तो फिर मेरे सेक्ट ज्वाइन करो, वहां तुम्हें कुक बन के रहना नहीं पड़ेगा। लेकिन शाओफेन उसे ऑफर को ठुकरा के कहता है मैं मर भी गया तो भी कल्ट ज्वाइन नहीं करूंगा। और उसी बात से आर्गुमेंट शुरू होता है, जहां शाओफेन डीमन के 36 बुराई गिनवा देता है और साथ ही बियाओ भी उसे 36 इंसान का बुराई बता देता है। और ये याद रखना है क्योंकि आगे इसी को लेकर बहुत बवाल होने वाला है, अभी किसी ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। खैर तभी सीन चेंज होता है और लुशुओ की को देखने को मिलता है, जो शाओफेन के लिए अभी भी सोचती है और प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे पा रही है, जिसके कारण वह मास्टर उसे थोड़ी ऊंची आवाज में उसे प्रैक्टिस करने ध्यान लगाने कहती है। और फिर एक जगह शाओफेन को देखने को मिलता है, जो लिंगर को याद करके कहता है पता नहीं वो अभी क्या कर रही होगी। तभी वहाँ वन रेंगवांग नामक एक इंसान आके उसके साथ बैठ के बातें करने लगता है। और एक दूसरे को जानने के बाद वन रेंगवांग आगे कहता है मैंने बहुत से किताबें पढ़ा है, जिसके चलते मुझे तुम्हारा ये वेपन बहुत ही खास यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। सो क्या तुम्हारा वेपन तुम्हारा ब्लड को पॉजिस करते है। जहाँ शाओ पूछता है आपको क्यों ये सब जानना है, तभी वांग कहता है अगर मैं सही हूँ तो ये वेपन दो प्रीशियस चीज़ों से बनी हुई है और
और उसमें जो स्टिक है वो कार्ल को यानी ब्लैक हार्ट एल्डर का है। और फिर सारा कुछ कह के वो ये बताने की कोशिश करता है कि वो एक डेमोनिक खतरनाक वेपन है, जिस बात को शियाओयान मानना नहीं चाहता था। लेकिन वो कहता है मैं किंगयू सैक का डिसाइपल हूँ, आखिर मैं एक डेमोनिक वेपन कैसे यूज कर सकता हूँ। तभी वान कहता है मैंने सुना तुम्हारे सैक के पास एक ट्रेजर है जो 100 सालों में हजारों लोगों को मरा है, सो उसके मुकाबले में तुम्हारा ये वेपन उतना बुरा भी नहीं है। जहाँ शियाओयान कहता है चुशियान ट्रेजर सिर्फ सही के लिए यूज किया जाता है और उससे सिर्फ डीमन को ही मारा जाता है। तभी वन कहता है कल्ट का डेविल ह्यूमन नहीं है क्या? और फिर वन आगे शियाओयान को कहता है मेरे बात पे गौर करना, जब जंगल में टाइगर रैबिट को शिकार करता है तब तो सही गलत कहा नहीं जाता, लेकिन इंसान डेविल को मारे तो सही गलत, लेकिन इंसान इंसान को मारे तो क्या कहोगे? तभी शियाओयान को डाउट होता है तो वो पूछता है आप असलियत में कौन हो? जहाँ वो कहता है क्या मैंने कहा नहीं, मैं एक आम ट्रैवलर हूँ। लेकिन तभी शियाओयान कहता है तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो, तुम कल्ट से हो और भले ही ये वेपन डेमोनिक हो लेकिन मैं इसे डीमन को खत्म करने के लिए यूज करूंगा, यानी अच्छे काम के लिए। तभी वो सामने देखता है वन वहां से निकल चुका था। तभी सीन चेंज होता है और एक मास्क पहना हुआ पर्सन बियाओ को ढूंढने लगता है, लेकिन बियाओ उसे पकड़कर उसका नानी याद दिलाती है। लेकिन उतने में वहां उसकी पापा यानी वही इंसान जो अभी शियाओयान से बातें कर रहा था वांग, उसे घर लौटने कहता है, यानी वांग ही उसका पापा है। जहाँ बियाओ कहता है कौन सा घर? जा उसका डैड कहता है वही तुम्हारा घर। लेकिन तभी वो गुस्सा होकर कहती है मॉम के गुजर जाने के बाद आपने उनका हर चीज मिटा दिया, इवन फ्लोर गार्डन तक भी। तो सुनके तभी वन एक फ्लोर निकल कर कहता है ये वो फ्लोर है जो तुम्हारे मॉम ने मुझे फर्स्ट टाइम दिया था, जिसे मैं अभी भी संभाल के रखा हूँ और मैंने बाकी चीज़ों को ख़त्म किया ताकि वो चीज़ें तुम्हें बॉदर ना करे। जो सुनकर वो रोने लगती है और शियाओयान का बातों को याद करता है, यानी उसके पापा उसे बहुत प्यार करती है, जो शियाओयान ने भी उसे बात कहा था क्योंकि उसने उसे बचाया था। तभी फादर एंड डॉटर का प्यारा मोमेंट हमें देखने को मिलता है और फिर तभी वन बियाओ को कहता है कि मैंने शियाओयान से मिला। जब वो एक्साइटेड होके कहती है पापा क्या उसे हमारे सेक ज्वाइन करने का कोई रास्ता है? जब वो कहता है वो बहुत ही स्टबर्न लड़का है लेकिन फ्यूचर में वो बहुत ही बड़ा कांड करने वाला है और उसका वेपन से बहुत से लोग मरेंगे, जिसके बाद उसे राइटियस वाले लोग अपने सेक पर रखेंगे तो नहीं, तो उसे हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तभी सीन चेंज होता है और शियाओयान एक जगह पहुंच जाता है जहां बहुत शांत होता है, जो देखकर वो कहता है अजीब बात है रस्ते में एक भी लोग नहीं है। तभी उसका नज़र एक नोटिस पर पड़ता है जहां थ्री टेल फॉक्स का डेंजर लिखा हुआ था, तो वो समझ गया उसके लिए लोग वहां डरे हुए हैं। लेकिन तभी उसका मुलाकात एक बुढ़ा से होता है जो फेस रीड कर सकता है, यानी भविष्य और पास्ट को देख सकता है। सो वो शियाओयान का फेस रीडिंग करने लगता है, कह के कि तुम्हारा बचपन टेरिबल था, फ्यूचर और टेरिबल होगा और तुम्हारा लक क्या ही खतरनाक टेरिबल है, यानी खतरा खतरा खतरा। और तभी शियाओयान उनके बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी उसके बचपन में क्या हुआ वो सारा कुछ वो बुड्ढा एक्सप्लेन करता है, तो वो थोड़ा बहुत यकीन करता है। लेकिन आगे कुछ बताने के लिए वो 10 कॉइन चार्ज करता है, कह के कि वो उनका एंसेस्टर का परंपरा है। लेकिन शियाओयान के पास बस 4 ही कॉइन था, लेकिन बुड्ढा 4 ही फट से लेता है। लेकिन तभी एक मॉन्क आके कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं आज दिन खत्म होने से पहले ही थ्री टेल फॉक्स को खत्म कर दूंगा, बस आपको मुझे अच्छा खाना खिलाना होगा। तभी मॉन्ग शियाओयान को देखता है, जहाँ शियाओयान किंगयू सैक की इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ वो एक्साइटेड होके कहता है तो फिर चलो फॉक्स को हंट करते हैं। जहाँ शियाओयान उसके साथ जाने लगता है तभी एक बच्ची बुड्ढे को कहता है जबकि आपको पता था आगे बहुत खतरा है तो आप उसे क्यों जाने दिए हो? जहाँ बुड्ढा कहता है हम किसी के डेस्टिनी को बदल नहीं सकते हैं। तो अभी सवाल शुरू होता है कि कौन सही है कौन गलत, क्योंकि एक तो जंगल बहुत मिस्ट्री से भरा हुआ था, ऊपर से वो लोगों को किसी को गाते हुए सुनकर आगे बढ़ते हैं जहां दोनों एक खूबसूरत थ्री टेल फॉक्स को देखते हैं। हालांकि उन लोगों के अंदर हैट्रेट होने के कारण उसे विच बुलाती है, लेकिन वो फॉक्स एक
पॉन्ड के पास नाकाम विश मांगती है, क्योंकि उसने सुना था अगर वहाँ चांदनी रात में विश मांगा जाए तो वो पूरी होती है, बट सैड उसका हुआ नहीं। लेकिन तभी मोंग अटैक कर देता है। उस अटैक को थ्री टेल बहुत आसानी से हैंडल करके कहती है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? जहाँ मोंग कहते हैं तुम्हें मारने के लिए और क्या। लेकिन तभी वो दोनों को आराम से हैंडल करके शियाओफेन के पास आके कहता है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा किसी को प्यार कर बैठे हो। और फिर वो शियाओफेन को काबू में करती है, जहाँ मोंग के लाख बुलाने पर भी वो नहीं सुनता और वो पॉन्ड के पास जाने लगता है। दूसरी ओर मोंग थ्री टेल फॉक्स से फाइट करता है और उसे होश में आने कहता है, बट वो पॉन्ड में झांकने लगता है। तभी वहाँ बियाओ आके कहती है, शियाओफेन वहाँ मत देखो। लेकिन वो वहाँ कुछ तो देखा है, मगर उसके बाद वो होश में आ भी जाता है। जहाँ थ्री टेल फॉक्स उसे कहता है, बॉय तुमने क्या देखा? जहाँ शियाओफेन कुछ नहीं कहता है और तभी थ्री टेल फॉक्स कहता है, मानो या ना मानो वो तुम्हारा डेस्टिनी है। सो यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, और पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।